आज के वक्त में हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका खुद का अपना घर हो। कुछ लोगों के लिए घर बनवाना आम बात होती है, वहीं कुछ लोगों के लिए आज के महंगाई के दौर में सपनों का आशियाना बनवाना किसी सपने से कम नहीं होता। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो अलीगढ़ से आई हैं। अलीगढ़ के दोधपुर में एक मुस्लिम महिला को उसके सपनों का घर मिल गया। जी हाँ, ये है रोहिना, जिन्हें सोमवार को सांसद सतीश गौतम और डीएम चंद्रभूषण सिंह ने आवास आवंटन का प्रमाण पत्र दिया। आवास आवंटन का पत्र पाकर उनकी आंखें छलक आईं। उन्होंने कहा कि योगी मोदी की बदौलत ही उनका अपने घर का सपना साकार हो सका है। ये जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। मेरे शौहर जो है मजदूरी करते हैं, मेरा उसमें गुजारा हो जाता है, लेकिन मकान की सुविधा नहीं थी, मैं किराए पर रह रही थी काफ़ी समय से। जब मैंने सुना काशीराम विभाग में योजना चल रही है तो मैंने भी वहाँ पर डाला अपना फॉर्म और वहाँ पर मेरा नाम आ गया। मतलब काफ़ी टाइम में आया था, लेकिन जल्दी से ज़्यादा परेशानी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा मुझे, और कोई पैसा नहीं गया, मुझे वहाँ से मकान की सुविधा हुई। मैं काफ़ी खुश हूँ जो मुझे यहाँ वहाँ से काशीराम विभाग में से मुझे मकान मिला है और मुझे अब किराए पे रहना नहीं पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि श्री नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी जी की तरफ से मुझे बड़ा सहयोग मिला है, उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, और गौतम जी की भी बहुत बहुत आभारी हूँ और डीएम जी की भी, जो उन्होंने गरीबों के लिए ये योजनाएँ बनाई हैं और उनका गरीबों को पूरा लाभ मिल रहा है और मिलेगा आगे तक। ऐसा नहीं है कि ये अकेली ऐसी महिला है जिन्हें घर मिला हो, इनके अलावा भी कलेक्ट्रेट सभागार में ऐसे ही 102 से ज्यादा महिलाओं को आवास आवंटन के प्रमाण पत्र दिए गए। महिलाओं के चेहरे पर घर मिलने की खुशी साफ दिख रही थी, खुशी से उनकी आंखें नम हो गईं। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं योगी और मोदी हिंदू मुस्लिम में फर्क करते हैं वो गलत हैं। अच्छा, ये जो सरकार आई है, आपको लगता था कि सरकार में जिस तरह से कहते हैं मुस्लिम लोगों के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन आपके लिए कुछ किया इन्होंने? हाँ, मुस्लिम हिंदू सबके लिए करा है, जो बात है मोदी जी ने सभी के लिए करा है, मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए करा है उन्होंने, जो बात है मुस्लिम भी रहेंगे उसमें हिंदू भी रहेंगे, हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने जो करा है अच्छा करा है, और जो करेंगे अच्छा करेंगे आगे के लिए, बेहतरी करेंगे। खुश हैं योगी मोदी से? जी खुश हैं। क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? उनको बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी मैं। और जो अपने साथ के जो और जो मुस्लिम भाई हैं उनको भी क्या बताना चाहेंगे? उनको भी बताना चाहेंगे सबका सहयोग दें, सब सहयोग मिलकर दें, उन्हें समझें, उन्हें सहयोग दें। वहीं डीएम चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि किसी भी योजना के लाभ के लिए जनता सीधे उनसे आकर मिल सकती है, किसी भी बाहरी व्यक्ति और दलाल के बहकावे में नहीं आना है, किसी भी योजना में एक भी रुपया नहीं देना है। आपको बता दें कि ये प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहला घर बनाने या खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में की थी।